नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 10 दिवसीय श्री गणेश उत्सव की शुरुआत आज से पूरे देश के साथ इंदौर में भी हो गई है। विश्व प्रसिद्ध श्री खजराना गणेश मंदिर पर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने सपरिवार मंदिर पहुंचकर ध्वज पूजन किया और 1.25 लाख मोदक का भगवान को भोग लगाया। इस अवसर पर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने शहरवासियों को श्री गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी और मंदिर के विस्तारित कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव के दौरान शहर में विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी और श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। गणेश उत्सव के दौरान शहर के विभिन्न हिस्सों में गणेश पंडाल लगाए जाएंगे और विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन करने और पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। आराम से गिरने के लिए चले। अरे रोल एक सर ऐसा करो, लेबल ये तरीका नीचे करो यार, नीचे कर लो, सब दिख रही है। अरे थोड़ा आईडी ऐसा कर लो, सब बस लेबल सर आज गणेश जी की पूजा अर्चना चला करिए। परंपरा को निभाया, क्या कहना चाहेंगे गणेश जी से? क्या गणेश जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर मैं सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं भाग्यशाली हूं कि आज इस शुभ अवसर पर यहां पर ध्वजा पूजन का और गणेश जी की पूजा का सपरिवार यहां पर हम लोगों को अवसर मिला। जो परंपरा है, जिस भव्यता के साथ में गणेश चतुर्थी खजराना गणेश मंदिर में मनाई जाती है, उसी परंपरा और भव्यता के साथ में आज के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ की पूरी समिति, यहाँ के सभी पुजारी गणों के सहयोग से हो रहा है। एक बार पुनः मैं इस पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूर्व में भी प्रबंध समिति की बैठक करके सभी विभागों के समन्वय के साथ में जो जो तैयारियां होनी थी उस संबंध में निर्देश दे दिए गए थे। सारी तैयारियां हमारी पूर्ण हुई हैं और इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज के दिन एक अन्य विशेष चीज़ करते हुए कि जैसा कि देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसके लिए सुविधाएँ जुटाने की भी अधिक आवश्यकता है, मंदिर की भव्यता को भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एक प्लान हम लोगों ने बनाया है और उसको वीडियो के रूप में आज हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि सभी श्रद्धालुओं के, सभी जनता के, जनप्रतिनिधियों के सुझाव प्राप्त हो सके और उस वीडियो के आधार पर जो सुझाव आएंगे उनको समाहित करते हुए हम लोग खजराना गणेश मंदिर के विस्तारीकरण का और एक और श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने का प्लान फाइनल करेंगे, जिसके आधार पर बहुत जल्दी ही काम हम लोगों का प्रारंभ होगा। एक बार पुनः इस शुभ अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने एकड़ में ये फैला होगा और कितने करोड़ का ये प्रोजेक्ट है? देखिए, अभी जो शुरुआती बना है लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट होगा और जो पास की ज़मीन है जिसके शासकीय करने का प्रस्ताव हमारे द्वारा भेजा गया है शासन को, अगर वो ज़मीन हमको शासन से प्राप्त होती है या फिर अधिग्रहण के माध्यम से प्राप्त होती है, उसका अधिग्रहण करके हम लोग इसके विस्तारीकरण का कार्य। सुविधाएं भक्तों को बढ़ेंगी? देखिए, श्रद्धालुओं के लिए अगर जो संख्या बढ़ती है तो उसमें देखा गया है कि पार्किंग की भी समस्या आती है, जिगजैग में चलने की भी समस्या आती है। इसके अलावा जो श्रद्धालुओं के लिए और सुविधाएँ होती हैं, चाहे हम लोग बात करें प्रसाद वितरण की बात करें या फिर उनके लिए पूजा स्थल की बात करें, ये सारी सुविधाओं की आवश्यकता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट जोड़ने की भी आवश्यकता है कि यहाँ की भव्यता, खासतौर पर रात में जो लाइटिंग और प्रकाश व्यवस्था है उसको भी सुधारा जा सके, ये सारी चीज़ें उसमें रखी। गणेश जी की कभी अनुमति हुई आपको खजराना गणेश जी की? देखिए, निश्चित रूप से खजराना गणेश बहुत ही शक्तिशाली केंद्र है और हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, बहुत ही पवित्र स्थान है और खजराना गणेश का आशीर्वाद हमेशा इंदौर को मिलता रहे, ऐसा आज जो है मेरे द्वारा प्रार्थना करी गई है। और इंदौर ने जो विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं विगत वर्षों में, वो खजराना गणेश के आशीर्वाद से और ज़्यादा उनमें वृद्धि होती रहे। हम लोग नई नई सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को प्रदान करें, यहाँ के सभी लोगों की जीवन में और ज़्यादा खुशहाली बढ़े, ऐसी प्रार्थना मेरे